पिछले दो साल से यूपी में प्रियंका गांधी जी ने सेवा की है, लोगों के हर दुख सुख में काम आया है। हथरस का कांड हो, उन्नाव का कांड हो, कोई भी पार्टी सामने नहीं आता है, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी तुरंत पहुंचते हैं वहां पे, उनकी आवाज को उठाते हैं। ये गोदी मीडिया लगातार सर्वे दिखा रही है और भाजपा को जिता रही है। मैं पूछना चाहता हूँ, आप इतने अंतर्यामी इतने ज्ञानी कैसे हो गए? चुनाव खत्म नहीं हुआ, वोटिंग खत्म नहीं हुई, लेकिन आपने 4 बजे से सर्वे दिखाना शुरू कर दिया। नाम पर वोट मिलता है, सबके विश्वास पर वोट मिल जाए। आप क्या समझ रहे हो, योगी जी को कम से कम 350 सीट पार कर देगा? अभी आपका सरकार रहा है, लेकिन ये सरकार जो है ना, बहुजनों के लिए बड़ा बेकार रहा है, उनके ऊपर अत्याचार हुआ है। आप देखो, किसी बहुजन के ऊपर अत्याचार जो हो रहा है, फर्जी मुकदमा, फर्जी एनकाउंटर, और उसका कोई सुनवाई कहीं नहीं हो रहा। मैं इन बीजेपी सरकार को ये भी कहना चाहता हूँ, आप हाल फिलहाल में देख लो, अभी कुछ टाइम पहले की बात है, कल की बात है, एक परिवार ने, एक माँ ने अपने तीनों बच्चों को जहर देकर मार दिए और खुद मर गई। क्यों? भुखमरी के कारण। महीने में 2 बार राशन मिलता है, भुखमरी से नहीं मर सकते कोई भी आदमी। कांग्रेस के राज में कभी ऐसा था, कभी हुआ है? जरा मेरे को बताइए, आज तक कोई भी भुखमरी से कांग्रेस के राज में कोई आदमी ना तो कभी भुखमरी से मरा है, ना किसी से मरा है। सरकार क्या चाहती है? जो अपने देश का जनता को अपने प्यार पे खड़ा होने ना दूं, उसको घर बैठे बैठे खाना खिला दूं ताकि उसकी शरीर खराब हो जाए, वो बाहर का कुछ देख ना सके, अपने आप में ऐसा मजबूर हो जाए, आने वाले टाइम में जो उसका बच्चा होगा वो भी ऐसा ही सोचेगा, मुझे फ्री में खाना मिले, फ्री में सब कुछ मिले, ऐसा राशन नहीं चाहिए जनता को। क्या ये बात सही है? आज तक ना हर व्यक्ति तक शिक्षा पहुंच पाई है, ना हर व्यक्ति तक हेल्थ पहुंच पाई है। आज कहीं ना कहीं पूरे देश के अंदर अगर शिक्षा और हेल्थ और लोगों को जागरूक नहीं किया गया, लोगों तक विकास नहीं पहुंचा, तो उसका कारण किसको हम बताएंगे? जिन्होंने सत्ता में राज किया वो 10-15 साल कांग्रेस ने, 15 से 20 साल भाजपा बैठी हुई है, कहीं ना कहीं दोनों एक ही थाली के चलते बटे हैं। हिंदू राज बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? सत्ता, उसके बाद न्यायपालिका इनके कब्जे में, चुनाव आयोग इनके कब्जे में, देश का राष्ट्रपति इनका, इनके पास सारी सरकारी संस्थान है इनके पास। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, अभी तक हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बना पाए? उसमें कोई धोखाबाजी नहीं हुई है, मशीन के साथ छेड़ाछाड़ी नहीं होती है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 305 सीट हमारी आएगी कांग्रेस की। शायद याद होगा ईवीएम को आपकी पार्टी कांग्रेस लेकर ईवीएम को हम लेकर आए थे, कभी हमने छेड़ाछाड़ी नहीं करी। चोर की दाढ़ी में तिनका, जब ये खुद ऐसे काम करे होंगे तब बोलते हैं। क्या आप मान रहे हो कि पहले कांग्रेस ने किया है तो अब हम भी करेंगे? नहीं, हम हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, कोई चोरी करके नहीं कहेगा, मैं चोरी कर रहा हूँ। नमस्कार साथियों, मैं ब्रजमोहन मौर्य, आप देख रहे हैं जनता आवाज। जनता आवाज के इस खास प्रोग्राम जनित परिचर्चा में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में आज 7वां चरण का चुनाव पूरा हो चुका है, इसके अलावा 4 और राज्यों में, कुल मिलाकर 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं। साथियों, उत्तर प्रदेश में कौन सी पार्टी को कितनी सीट मिलेंगी, ये चर्चाएँ अब राजनीतिक गलियारों में तेज हो चुकी हैं। तो साथियों, इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारी स्टूडियो में हमारे साथ उपस्थित हैं प्रमोद यादव जी, जो पूर्व प्रत्याशी हैं कांग्रेस पार्टी से, बदरपुर विधानसभा क्षेत्र से। हमारे साथ एक और कांग्रेस नेता हैं सुखवीर सिंह सैनी जी, ओबीसी प्रकोष्ठ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं दिल्ली के। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे अगले मेहमान हैं बिजेंद्र यादव जी, जो ऑल इंडिया यदुवंशी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हमारे साथ युवा समाज सेवी और सामाजिक कार्यकर्ता मनीष कुमार यादव भी जुड़ चुके हैं। इन सभी के साथ साथ हमारे साथ में भाजपा के समर्थक रतिराम गुर्जर भी हैं, जो हमारी स्टूडियो में मौजूद हैं। तो सर, आप सभी का इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रमोद यादव जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपको क्या लगता है यूपी में कौन आ रहा है? देखिए, सबसे पहले तो जनहित आवाज चैनल को हम उनके सभी श्रोता को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, आदाब करते हैं, जो आप जनता की बात हमेशा समय समय पे उठाते रहते हैं। और दोस्तों, जो चुनाव का माहौल है, अभी चुनाव आज लास्ट चरण में था, 7वें चरण में चुनाव समाप्त हो चुका है। आप जानते हैं जो ये गोदी मीडिया है, पहले ओपनिंग में दिखाते थे कि भाई बीजेपी जीत रहा है, उसी तरह आज से शुरू हो गए हैं एग्जिट पोल में बीजेपी को जिताते हुए दिख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पिछले 2 साल से
यूपी में जो प्रियंका गांधी ने सेवा की है, लोगों के हर दुख सुख में काम आया है, हथरस का कांड हो, उन्नाव का कांड हो, कोई भी पार्टी सामने नहीं आता है, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी तुरंत पहुंचते हैं वहां पे, उनकी आवाज को उठाते हैं। इसके हिसाब से जो कांग्रेस की लोकप्रियता है फिर से बढ़ती हुई जा रही है, जो बीच में कुछ निगेटिव हो गया था लेकिन दोबारा से बढ़ता हुआ जा रहा है, और कांग्रेस बहुत अच्छे संख्या में यूपी में आ रहा है, प्लस 4 स्टेट में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। विजेंद्र यादव जी, आपसे जानना चाहेंगे, प्रमोद यादव जी जो दावा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बढ़त बना रही है और कांग्रेस की इतनी सीटें संभव हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं जनहित आवाज चैनल का स्वागत करता हूं, जो देश की सच्चाई को देश की जनता के सामने पहुंचाने का काम करती है। जो प्रमोद जी ने अभी कहा, जो आज 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जो उत्तर प्रदेश के 7वें चरण और लास्ट था जो चुनाव, वो आज हुआ और पूर्वांचल के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और 65-70% आज वोटिंग हुई, एक अच्छी वोटिंग है। और इस वोटिंग से ऐसा लगता है ना कहीं भाजपा रेस में है, ना कहीं कांग्रेस रेस में, ना कहीं मायावती रेस में है। अखिलेश यादव महागठबंधन जो कहीं ना कहीं 85-90% बहुजनों की एकजुट कर एक गठबंधन बनाया गया और जिसमें सभी बिरादरी के लोगों को जोड़ा गया, ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं 350 के आसपास अखिलेश यादव महागठबंधन भारी बहुमत से जीत रहा है। और कहीं ना कहीं एक चीज का डर हमेशा 7 साल से जब से भाजपा सरकार आई है, चाहे वो 14 का चुनाव रहा, चाहे वो 17 का रहा, चाहे 19 का चुनाव रहा, कहीं ना कहीं उस चुनाव के अंदर चाहे वो ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो, चाहे वो प्रशासन का इस्तेमाल हो, चाहे वो पैसे का इस्तेमाल हो, कहीं ना कहीं अगर सही मायनों में अगर ईमानदारी से चुनाव हो तो आज की डेट में बीजेपी 100 भी पार नहीं कर रही है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं जनहित आवाज के माध्यम से गठबंधन के लोगों को, वो जहां भी ईवीएम की मशीन रखी हुई है, जो वहां पर कैंप है, उसका विशेष तौर पर ध्यान रखें, इन लोगों पर भरोसा ना करें। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है मुझे वहां पर मशीनों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। अगर छेड़छाड़ नहीं हुई बाई चांस तो ऐसा है कहीं ना कहीं जैसे बिहार चुनाव में तेजस्वी को हराया गया, ऐसा लगता है कि एक सोशल मीडिया के साथ साथ अंदरूनी रिपोर्ट भी है कि 70-75 सीटों पर, जैसे 25 सीटों पर बिहार में किया गया, कहीं ना कहीं जीते हुए कैंडिडेट को सर्टिफिकेट ना देकर हारे हुए सेकंड कैंडिडेट भाजपा को उसको सर्टिफिकेट देंगे और उन 75 कैंडिडेट जो महागठबंधन के होंगे उनको हराने का काम करेंगे, ताकि ये सत्ता हथिया ले, क्योंकि ये संविधान को, लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। ये चुनाव उत्तर प्रदेश में जरूर हो रहा, लेकिन ये चुनाव कहीं ना कहीं इस देश की सत्ता का चुनाव है। कहीं ना कहीं हम सब लोगों को बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है, और खासकर मैं उत्तर प्रदेश के लोगों का धन्यवाद करता हूं जो उन्होंने महागठबंधन को भारी बहुमत देकर उसको सत्ता में लाने का काम किया, क्योंकि आज बेरोजगारी और महंगाई से मुद्दे से हटकर, कोरोना के मुद्दे से हटकर, देश को बेचने के मुद्दे से हटकर भाजपा ने 80 बनाम 20 में भाजपा से कहना चाहता हूं, आप कहते हो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, तो 20 का विश्वास क्यों नहीं लिया आपने, 20 को साथ क्यों नहीं लिया। कहीं ना कहीं इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। ये हिंदू राष्ट्र के नाम पर हिंदू मुसलमान करके और SC ST OBC को आपस में लड़ाकर कहीं ना कहीं सत्ता हथियाना चाहते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं खासकर अपने बहुजनों को, आज हमें जरूरत है, इस देश के संविधान को, लोकतंत्र को बचाने की जरूरत है। इसलिए आपने वोट की ताकत से तो महागठबंधन को दे दिया, लेकिन जब तक इसका रिजल्ट नहीं आता है तब तक आपको ईवीएम की भी देखरेख करनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं जो है ये हमें डर लग रहा है कि कहीं ना कहीं बिहार वाला मामला यहां पे ना हो जाए। दूसरा बात, आज मैं ये कहना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से, जनहित आवाज के माध्यम से, 7 बजे वोटिंग अभी जस्ट 15-20 मिनट पहले खत्म हुई है, लेकिन आज 4 बजे से ये गोदी मीडिया लगातार सर्वे दिखा रही है और भाजपा को जिता रही है। मैं पूछना चाहता हूं, आप इतने अंतर्यामी इतने ज्ञानी कैसे हो गए? चुनाव खत्म नहीं हुआ, वोटिंग खत्म नहीं हुई, लेकिन आपने
चार बजे से सर्वे दिखाना शुरू कर दिया। कहीं ना कहीं इस मीडिया के माध्यम से भाजपा जो है लोगों को गुमराह कर सत्ता हथियाना चाहती है। कहीं ना कहीं आज ना कांग्रेस रेस में है, ना भाजपा रेस में, ना बीएसपी रेस में, और महागठबंधन 350 सीटों को जीतकर और सत्ता की तरफ जा रहा है। रतिराम गुर्जर जी, बीजेपी पर बिजेंद्र यादव जी गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि मीडिया के साथ षड्यंत्र के तहत ये मीडिया माहौल बनाने का काम करती है बीजेपी के पक्ष में। क्या कहना चाहोगे इस पर? और भाई साहब यादव साहब अभी जो कह रहे हैं, अभी तो शुरू हुए हैं कहना भाई ये जबरदस्ती कर लेंगे, जैसे कि भाई हैक कर लेंगे। वो सेंटर की एजेंसियाँ वहाँ लगी हुई है, वो उनके हाथ में नहीं है। काम पर वोट मिलता है, सबके विश्वास पर वोट मिल जाए। आप क्या समझ रहे हो, योगी जी को कम से कम 350 सीट पार कर देगा? ये जो 20% में जो आप बात कर रहे थे, 20% में आपको ये किसको समझ रहे हो? 20% में तो ये सपा आएगी, बसपा आएगी, कांग्रेस आएगी, 20% में लटके रहेंगे। 80% तो योगी जी के साथ है, मोदी जी के साथ है, उसमें टोटल आ लिए। तो ये 20% में तो ये लटक रहे हैं। योगी जी ने क्या काम नहीं किया? यूपी को सुधार दी, बिगड़ी हुई यूपी को सुधारी है। और एक दिन में नहीं सुधरता, उसके लिए भी टाइम लगता है। अभी 5 साल में तो 50% ही नहीं सुधरी। अभी 5 साल और लगेगी, जब 90% जाएगी सुधरेगी यूपी, जब राम राज्य हो जाएगा। अभी तो इन्हें देख, अभी तो धीरे धीरे शुरू हुआ है। क्या उस टाइम क्या था? सपा के राज में, बसपा के राज में क्या था? गुंडागर्दी, माफियाओं का राज, उनकी चलती थी, सरकार की थोड़ी चलती थी। अब इसमें करके देखो ना, योगी के सरकार में लेडीज जाती हैं आराम से, बहू बेटियां जाती हैं आराम से, रात के 12 बजे भी जाती है। उस टाइम दिन के दोपहर में आप 12 बजे निकाल के दिखा दो ना, दिन रात का फर्क हो गया। तो योगी जी को वोट क्यों नहीं मिलेंगे? 350 सीट पार करेगा वो, जितनी लेडीज जितनी एक एक वोट सब योगी जी को जा रहे हैं। मनीष कुमार यादव जी, रतिराम जी जो दावा कर रहे हैं कि बीजेपी राज में महिलाएं सुरक्षित हैं, सबको सम्मान है, सबको अनाज मिल रहा है, क्या ये बात सही है? कहाँ तक यूपी की जनता बीजेपी से संतुष्ट है? जी, सबसे पहले मैं जनहित आवाज़ चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो आज आप एक हमारा मुद्दा आप दिखा रहे हो। मैं एक समाज सेवक हूँ, समाज सेवक के नाते मैं इनको और इनकी सरकार को, बीजेपी सरकार को जो अभी यूपी में था, उनसे मैं कहना चाहता हूँ, अभी आपका सरकार रहा है लेकिन ये सरकार जो है ना, बहुजनों के लिए बड़ा बेकार रहा है, उनके ऊपर अत्याचार हुआ है। आप देखो किसी बहुजन के ऊपर अत्याचार जो हो रहा है, फर्जी मुकदमा, फर्जी एनकाउंटर, और उसका कोई सुनवाई कहीं नहीं हो रहा। मैं इन बीजेपी सरकार को ये भी कहना चाहता हूँ, आप हाल फिलहाल में देख लो, अभी कुछ टाइम पहले की बात है, कल की बात है, एक परिवार ने, एक माँ ने अपने तीनों बच्चों को जहर देकर मार दिए और खुद मर गई। क्यों? भुखमरी के कारण। इसका जिम्मेवार कौन है? ये योगी सरकार या सेंटर में बैठा सरकार कौन है? ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे देश के अंदर दिन प्रतिदिन भुखमरी बढ़ता जा रहा है, लेकिन सरकार का नज़र यहाँ नहीं है। सरकार को मैं कहना चाहता हूँ, आप हिंदू मुस्लिम ना करके बेरोजगार की बात करो। जब भी मैं सोशल जाता हूँ, बहुत से मुझे ऐसा बेरोजगार मिलते हैं जो वो दिन का रोटी खाता है तो सोचता है रात की रोटी मुझे कैसे मिलेगा। इसका जिम्मेवार कौन है? राम गुर्जर जी, आप बोल रहे थे कि महिलाएं सुरक्षित हैं, यादव जी कह रहे हैं कि कभी सुसाइड किए गाजियाबाद में, ये कैसी सुरक्षा? नहीं, वो कोई सरकार की तरफ से थोड़ी हुआ, वो अपने महीने में 2 बार राशन मिलता जी। भूखमरी से नहीं मर सकते कोई भी आदमी, ये बात कोई नहीं कह सकता। आज के टाइम बीजेपी की सरकार में महीने में 2 बार राशन मिलता है, ये बात कोई भी आदमी कह दे भूखमरी से मरे हो, वो अपनी मजबूत परेशानी होगी। भूखमरी के इंडेक्स में नहीं, 101वें नंबर पहुंच गया, जो पिछले साल 94 का था, आपको पता है? नहीं, ऐसा नहीं है, कोई आदमी आज की तारीख में भूखमरी से नहीं मरता। ग्लोबल सरकार महीने में 2 बार राशन दे रही है, कोई आदमी ये नहीं कह सकता हमारे को राशन नहीं मिला। चैलेंज देता हूँ, चलो किसी को पूछ लो आज की तारीख में, हर महीने 2 बार राशन मिलता आदमी। देखो मैं इनसे कहना चाहूँगा, एक सोशल वर्कर होने के नाते सरकार क्या चाहती है? जो अपने देश का जनता को अपने प्यार पे खड़ा होने ना दूँ,
उसको घर बैठे बैठे खाना खिला दूं ताकि उसकी शरीर खराब हो जाए, वो बाहर का कुछ देख ना सके, अपने आप में ऐसा मजबूर हो जाए, आने वाले टाइम में जो उसका बच्चा होगा वो भी ऐसा ही सोचेगा मुझे फ्री में खाना मिले, फ्री में सब कुछ मिले, ऐसा राशन नहीं चाहिए जनता को। जनता को वो सरकार चाहिए जो सरकार जनता को अपने पैर पे खड़ा होना सिखाए, बिजनेस करना सिखाए, रोजगार दे, वो हमें सरकार चाहिए। सुखवीर सिंह सैनी जी, आप मनीष कुमार यादव जी की बातों से सहमत हैं? नमस्कार, सबसे पहले मैं जनहितावाद को नमस्कार करना चाहता हूं और जो हमारी आवाज चारों तरफ पूरे देश में पहुंचाना चाह रहे हैं, और मैं इनको ये बताना चाह रहा हूं जो ये फ्री का राशन देना चाह रहे हैं, कांग्रेस के राज में कभी ऐसा था, कभी हुआ है? जरा मेरे को बताए, आज तक कोई भी भुखमरी से कांग्रेस के राज में कोई आदमी ना तो कभी भुखमरी से मरा है ना किसी से मरा है। प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी जब भी यूपी में जाते थे, कहीं भी जाते थे, घर घर जाते थे और घर घर जाके हर आदमी से पूछते थे आपको कोई दिक्कत है, और कोई भी दिक्कत होती थी वहीं के ही वो प्रधान जी कहते थे हमारे ये सुनवाइयाँ नहीं बनी हैं, आप इसको करवाइए, ये कराइए, वो कराइए, सभी काम होता था। लेकिन मैं कह रहा हूँ बीजेपी की सरकार ने यूपी में क्या दिया है, और एक सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको बता रहा हूँ, जो बहन प्रियंका गांधी जी हमारी हर घर में जा रही है अपने पिताजी के जैसे पिताजी करते थे वही उसी की तरह बहन प्रियंका गांधी घर घर जा रही है, किसी के साथ कोई भी वो होता है तो घर घर जाके पूछती है आपके साथ ऐसा क्यों हुआ है। उसको मोदी जी सरकार ने बहन प्रियंका गांधी को रोका है कि अभी आप नहीं जाएंगे, पुलिस फोर्स लगा दी जाती है, तानाशाही सरकार किसी को नहीं करने दे रही है। ब्रजेंद्र यादव जी आपसे जानना चाहेंगे, सैनी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस के राज में कोई भुखमरी से नहीं मरा, क्या ये बात सही है? देखिए ये सरासर झूठ बोल रहे हैं सब लोग, कांग्रेस हो भाजपा दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे, ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत कह रहे हैं। 75वां वर्ष हो चुका है देश को आजादी का, आज तक ना हर व्यक्ति तक शिक्षा पहुंच पाई है, ना हर व्यक्ति तक हेल्थ पहुंच पाई है। आज कहीं ना कहीं पूरे देश के अंदर अगर शिक्षा और हेल्थ और लोगों को जागरूक नहीं किया गया, लोगों तक विकास नहीं पहुंचा, तो उसका कारण किसको हम बताएंगे? जिन्होंने सत्ता में राज किया वो 55 साल कांग्रेस ने किया, 15 से 20 साल भाजपा बैठी हुई है, कहीं ना कहीं दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। मोदी जी इन्होंने कहा, बीजेपी समर्थक हमारे अमाओ जी ने, इन्होंने कहा योगी जी ने बहुत विकास किया, योगी जी ने विकास ये किया सबसे पहले तो लोकतंत्र का गला घोटकर उन्होंने अपने ऊपर से 25 से 35 केस वापिस लिए, उप मुख्यमंत्री के केस वापिस लिए, उसके बाद जो 69,000 शिक्षक जो रोजगार मांग रहे थे उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। खेतों के अंदर ये राशन की बात करते हैं, एक तरफ राशन देते हैं, राशन कहां से आता? किसान से, और किसान के ही खेत के अंदर सांड भेजकर उसके खेत को तहस नहस कर उसको फसल को तहस नहस कर दिया जाता है। फिर इन्होंने कहा कि 20% में सपा बीएसपी और कांग्रेस आ गई। मैं इनसे पूछना चाहता हूं आप झूठ मत बोलिए, 7 साल से लगातार जुमलेबाजी कर रहे हैं, झूठ पे झूठ आंकड़े पे आंकड़े देकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आप 20% उन जो देश के मुसलमान हैं जो आजादी से लेकर अब तक ये देश के लड़ाई आजादी की लड़ाई हो या आज भी हो, मुसलमान का भी बहुत बड़ा रोल रहा है, ये 20% मुसलमानों को बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं 20 का मतलब है कि 80% हिंदू एक हो जाओ, ये कहते हैं हिंदू राष्ट्र। मैं कहना चाहता हूं हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? सत्ता, उसके बाद न्यायपालिका इनके कब्जे में, चुनाव आयोग इनके कब्जे में, देश का राष्ट्रपति इनका, इनके पास सारी सरकारी संस्थान है इनके पास। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं अभी तक हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बना पाए? अगर आप सब सत्ता में होने के बाद भी हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकते तो एक काम करिए, एक हमारे मुसलमान भाई को देश का प्रधानमंत्री बना दीजिए, कम से कम वो तो बना देगा। कांग्रेस ने ऐसा ये गलत कह रहे हैं, मैं इनको बार बार कह रहा हूं, कांग्रेस ने कोई ऐसे फाड़ नहीं रखी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों सभी को भाई मिला के रखा हुआ है। ये गलत तो मतलब आ रहे हैं बीजेपी, कांग्रेस ने कभी ऐसा कुछ नहीं किया है कि हिंदू मुस्लिम अलग है, सभी भाइयों को इकट्ठा लेकर चलती है, ऐसे गलत कह रहे हैं। देखिए सुखबीर सिंह और बीजेपी समर्थक की बात हो रही है, ये आपकी नहीं हो रही है, आप गर्म मत होइए, आप ही दोषी हो देश के, देश दोषी हाँ नहीं है, ये कांग्रेस नहीं, कांग्रेस के राज नहीं है, अखिलेश जी आज की डेट में जो इतने बड़े पैदा हुए हैं कांग्रेस राज में ही पैदा हुए हैं, ये देखिए जो आज की डेट में यहाँ बैठे हैं कांग्रेस को दुखाना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए मेरी बात सुनिए आप, गर्म होने से कुछ नहीं, इतिहास गर्म नहीं होता, आपके तेज बोलने से काम होता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर राज किया है तो लालू और मुलायम की समर्थन से किया, वो किसकी वजह से हुआ है? 2004 और 2010 के अंदर अगर इनका 2009 में अगर कांग्रेस को लालू मुलायम का समर्थन नहीं होता तो आज कांग्रेस सत्ता में नहीं होती 10 साल।
कहीं ना कहीं पिछले इतिहास में भी इन लोगों का बहुत बड़ा इनके साथ समर्थन रहा है। और ये आज अगर आप ऐसे बोलोगे तो कल आने वाला टाइम ऐसा ना हो जो देश के मूल निवासी है, बहुजन है, कहीं ऐसा ना हो वो कांग्रेस से जो आज 10-15% उनके साथ है, अगर आप ऐसे बोलोगे तो वो भी आपसे छिटक जाएगा। कांग्रेस हर किसी को साथ लेके चलती है, कांग्रेस ऐसी पार्टी नहीं है किसी को बिछाड़ के चलती, हर किसी को साथ लेके चलती है। मुलायम जी हो, यादव जी हो, हर किसी को अपने साथ लेके चलती है। वे अपने लालच में कांग्रेस का गठबंधन बनाया और इस राज करने के लिए कांग्रेस के साथ मिले हैं। देखिए, आपस में बहस मत करिए, मुद्दे की बात करिए और समय का ख्याल रखते हुए आप सभी अपना अपना लास्ट राउंड में आप सभी से जानना चाहूंगा आपका लास्ट कमेंट क्या है, यूपी चुनाव में क्या होने वाला है। मोदी यादव जी, अब भी आप अपनी बात पर कायम है, कांग्रेस आ रही है यूपी में? यूपी में कांग्रेस के समर्थन से अखिलेश का सरकार बनने जा रहा है, ये कन्फर्म है। कांग्रेस के समर्थन से अखिलेश का सरकार बनने जा रहा है। एक मिनट, सुखबीर सिंह सैनी से जानना चाहेंगे, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। जिस हिसाब से हम लोगों ने मेहनत करी है, बहन प्रियंका गांधी ने जो मेहनत करी है, मैं ये कह रहा हूँ 300 प्लस हम सीट लेकर आएंगे कांग्रेस में, हम सरकार बनाएंगे। ठोक बजा के कह रहे हैं, सब अपने अपने दावे करते हैं, सब खोखले हैं। जब इसका रिजल्ट आएगा 10 तारीख को, तब पता लगेगा कौन सी सरकार बनती है, कौन सी नहीं बनती है। और जो इसमें कोई धोखाबाजी नहीं हुई है, मशीन के साथ छेड़ाछाड़ी नहीं होती है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 300 प्लस सीट हमारी आएगी कांग्रेस की। सैनी सर, आप ईवीएम की छेड़ाछाड़ी की बात कर रहे हैं, आपको शायद याद होगा उस ईवीएम को आपकी पार्टी कांग्रेस लेकर आई। तो ईवीएम को हम लेकर आए थे, कभी हमने छेड़ाछाड़ी नहीं करी है। कोई भी मुद्दा तक कभी उठाया तो बता दीजिए। तो फिर क्या बात, थैंक यू सर। वो कड़ी किसी चोर की डांडी में तिनका, जब ये खुद ऐसे काम करे होंगे तब बोलते हैं। कांग्रेस की जो सरकारें बन रही है, बजर जी आप मान रहे हो कि पहले कांग्रेस ने किया है तो अब हम भी करेंगे? नहीं, हम हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। देख भाई, शहबाजी ऐसा होता है कभी हमारे ये करे तो कोई चोरी करके कहेगा मैं चोरी कर रहा हूँ, कोई कहेगा मैं चोरी कर रहा हूँ, चोरी करके कोई कहता है तो कहते ना कांग्रेस अपनी मेहनत बनाएगी, हम अपनी मेहनत पे कायम है, ये पता लगता है कि हमारी कांग्रेस सरकार आ रही है। चलो, आज का ये हमारा विषय नहीं था, हमारा विषय था कि आखिर यूपी में कौन आ रहा है, इस विषय पर फिर कभी चर्चा करेंगे। मनीष कुमार यादव जी, आप अपना कमेंट बताएं, क्या कहना चाहोगे यूपी में, क्या यूपी में कौन आने वाला है? यूपी का जो माहौल है इसको पता है 350 सीट बीजेपी का हूँ। नहीं नहीं नहीं, देखिए मैं किसी का समर्थक नहीं हूँ किसी पार्टी का, मैं सोशल वर्कर हूँ। मैं आपको बताऊँ, यूपी के अंदर जो पहले भी कुछ दिन पहले शुरू में आपको पता हो मीडिया ने दिखाया था, समाजवादी पार्टी का जो है काफ़ी अच्छा चल रहा था माहौल वहाँ पर, क्योंकि उन्होंने जो है बहुजन समाज को ले कर चलने का काम किया, उसने आवाज़ उठाया है सबके लिए। और यूपी में मुझे ऐसा लगता है जो समाजवादी पार्टी जो है सरकार बना रही है, अब बाकी बीजेपी जो है जुमलेबाजी बहुत करता है, बीजेपी से लोग परेशान हैं, वो इसलिए परेशान है उनके जुमलों से परेशान है। जैसे कि आपको ध्यान हो 2014 में जब ये आए थे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने कहा था 15 लाख हम सबके खाते में देंगे, इन्होंने कहा था हम 2 करोड़ नौकरियों देंगे। अरे नौकरियाँ देने की बात तो छोड़ो, उल्टा ले लिया इन्होंने वापस। कुछ संस्था हमारे पास ऐसा था जिस क्या लगता है बीजेपी वापस आएगी? नहीं, बीजेपी नहीं आएगा, क्योंकि यूपी के अंदर बहुत अत्याचार हुआ है, बीजेपी राज में नहीं आ सकता बीजेपी। आज की डिबेट का सबसे लास्ट कमेंट, विजेंद्र यादव जी क्या कहना चाहोगे? पहले भी आपके चैनल पे बताया कि अखिलेश यादव महागठबंधन 350 सीट लाकर रिकॉर्ड बहुमत से सत्ता में हारा, ये बात कर रहे हैं 350 की, इनकी 7 सीटें थी, अब की बार 0 पे। अपनी अपनी बीएसपी करते हैं, मैं कहता हूं ये तो कम से कम 5 सीटें नहीं है, और भाजपा 100 सीट भी पार नहीं कर पाएगी अगर उसने ईवीएम के साथ छेड़छाड़ नहीं की। क्योंकि जैसे सहारनपुर के अंदर साइकिल पे वोट डालने गया और वहां पर पर्ची निकली कमल की, और जिस बूथ एजेंट ने उसको उजागर किया, चुनाव आयोग से मांग की, सुबह उसको गोली से उड़ा दिया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी ऐसे हुआ, साइकिल पे वोटिंग हो रही है, पर्ची निकल रही है कमल की। तो मैं पूछना चाहता हूँ चुनाव आयोग से, पूछना चाहता हूँ अगर ये झूठ है तो कैसे वो पर्ची निकल रही है भाजपा की? इसलिए मैं कहना चाहता हूँ ये चुनाव उत्तर प्रदेश का नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के साथ पार्टी अपने अपने दावे कर रही है, वो उत्तर प्रदेश ही मैं देश की सत्ता तक पहुंचाता है, सभी पार्टी अपने अपने दावे करती है। अखिलेश जी आएंगे या सपा आएगा,
जातिवार जनगणना 3 महीने कराएंगे और सर डिबेट का समय पूरा हो रहा है तो आप सभी से बस यही बता चाहते हैं और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आप इस परिचर्चा में शामिल हुए और साथियों आपको ये डिबेट कैसी लगी आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में नीचे दे सकते हैं और अगली डिबेट किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं वह भी आप हमें सुझाव में कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।